मीनो, तुम्हारा दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने को? चलो कहीं शिकार घूम फिर आते हैं। मेरा दिल आज पूरे जंगल घूमने को कर रहा है। नहीं नहीं बहन, मेरे तो कोई इरादा नहीं जंगल की सैर को। तुम खुद ही जाओ, मेरी तबीयत कुछ खराब है इसलिए मैं आज घर ही रहूंगी। इतना कहना था टोनी चिड़िया अकेले ही वहां से उड़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो क्या देखती है, जंगल की तरफ से एक तोता उड़ता हुआ दिखाई देता है। सलाम टोनी चिड़िया, तुम आज अकेली अकेली किधर जा रही हो? और मीनू नहीं आई तुम्हारे साथ? खैर तो है ना? खैर ही है अकलमंद तोते, मैं घर रह रहकर बोर हो रही थी। आज मेरा दिल घर से निकलने को कर गया इसलिए मैं अकेले ही निकल आई। मीनू को कहा था मगर उसकी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा आज अकेले ही निकल आते हैं। टेक किया चिड़िया बहन, बंदा क्या करे घर बैठ बैठ कर बोर हो जाता है, और इंसान को जंगल पर सैर भी करनी चाहिए। इतना प्यारा जंगल आखिर किस काम आएगा? हाँ पोते, मेरे दिल भी जंगल की सैर को करता है इसलिए मैं अकेले ही घर से निकल आती हूँ। तुम सुनाओ, तुम किधर जा रहे हो? मैं भी जंगल में एक खास काम से निकला था। कुछ न पूछो तूनी बहन, हमारी बस्ती से कुछ चीजें चोरी हो रही हैं। क्या हुआ भाई, कैसी चोरी? तुम्हारा घर तो ठीक ठाक है ना, उसमें से तो कुछ नहीं गया? और चोर का कुछ पता चला क्या, कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं बहन, हमें अभी तक कुछ इलम नहीं हुआ। सारी सारी रात पहरा देते हैं मगर चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा टोनी बहन, मैं चलता हूँ, तुम भी जरा एहतियात करना, और अगर चोर के बारे में कुछ पता चला तो जरूर बताना। रुक रुक तोते भाई, मैं आपको जरूर इतला करूंगी। इसके बाद अकलमंद चाचा वहां से चला जाता है। टोनी भी वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद टोनी चिड़िया को बबलू कबूतर मिलता है। सलाम बबलू कबूतर, कैसे हो तुम और आज किधर जा रहे हो? बड़ा अरसा हुआ तुमसे मुलाकात किए हुए, इतने दिन किधर गायब थे? खैरियत तो थी? सलाम टोनी, तुम सुनाओ, मैं खरीशी हूँ, तुम कैसी हो? हाँ ठीक कह रही हो, मैं बड़ा अच्छा हो गया अपनी नानी अम्मा के पास था। उनकी तबीयत खराब रहती है इसलिए के पास रहता हूँ। आज बड़े दिन बाद मेरा दिल जंगल की सैर को कर रहा था और तुम लोगों से मिले बड़े दिन हो गए थे। अच्छा बबलू भाई, अब कैसी हैं आपकी नानी अम्मा? क्या उनकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है? क्या हुआ था उनको? हाँ थोने, वो पहले से कुछ बेहतर है, बस कभी कभी ठंड की वजह से नजर जुकाम हो जाता है। अब वो सब बेहतर हो गया है, अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर है। चलो छोड़ो टोनी, चलो आज काले कवि के पास चलते हैं, बड़े दिन हो गए उससे मुलाकात किए हुए। हाँ बबलू भाई, चलो चलते हैं। बबलू कबूतर और टोनी दोनों कवि के पास जाने के लिए वहां से उड़ जाते हैं। कुछ दूर ही काले कवि का घर था, वो इनके पास चले जाते हैं। सलाम कवि भाई, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम, टोनी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? और आज मेरा दोस्त बबलू कबूतर कहाँ से आ गया? मैं ठीक हूँ कवि भाई, हमने सोचा आपकी खैरियत पूछ ली जाए, बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए। और सुनो कैसा हाल चाल है? शुक्र है मालिक का, सब ठीक ठाक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अच्छा तुम सुनाओ, क्या खाना पसंद करोगे, चाय या ठंडा? इसके बाद काला कौवा कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है और वो तीनों मजे से बातें करते हैं। कुछ देर बाद कवि के पास बैठने के बाद बबलू कबूतर और टोनी वहां से वापस आ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते टोनी और बबलू कबूतर बहुत हैरान हो रहे थे, काला कौवा इतना मालदार कैसे हो गया? ये तो बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता था।
इनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। टोनी को भी कवि की नीयत पर शक होने लगा। दोनों ने काले कवि की जासूसी करना शुरू कर दिया। बोलो भाई, हमें कवि की हर एक हरकत पर नजर रखनी होगी। वो किधर जाता है, क्या करता है और कब करता है। टोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। टोनी और बबलू कबूतर काले कवि पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन वो एक अजीबोगरीब चीजें देखते हैं। काला कवा घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक लाल रंग की टोपी होती है। वो इस टोपी को लेकर एक बस्ती में घुस जाता है। आगे जाकर वो टोपी पहन लेता है और ये क्या, वो यूं ही टोपी पहनता है, वो गायब हो जाता है। बोलो भाई, तुमने देखा, ये जरूर कोई जादू टोपी है, लेकिन किसको कवा किस लिए इस्तेमाल करता है। ताने, तुम क्यों कह रही हो, ये कवा जरूर इस टोपी का गलत इस्तेमाल करता होगा। चलो इसका पीछा करते हैं, वो जरूर इधर ही होगा। कुछ देर बाद कवा जब वापस आता है और जो ही वो टोपी उतारता है, टोनी और बबलू कबूतर क्या देखते हैं, उसके हाथ में बहुत ज्यादा मालो दौलत होता है। टोनी और बबलू कबूतर समझ जाते हैं। मैं समझ गई, वो चोर और कोई नहीं, वो तो ये काला कवा ही है, तभी तो ये इतना मालदार हो गया है। हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मसला ये है, इस काले कवे को पकड़ी कैसे, ये तो टोपी पहनने के बाद नजर ही नहीं आता। अरे बात तरकीब है, तुम देखना ये कवा जरूर पकड़ा जाएगा, चलो मेरे पीछे पीछे चलो। टोनी और बबलू कबूतर कवे के घर में दाखिल हो जाते हैं। कवा टोपी एक तरफ रख कर पैसे गिनने में मसरूफ था। टोनी चुपके से इसकी टोपी उठा लेती है और इस जैसी बिल्कुल इसकी कापी एक टोपी वहां पर रख देती है। कुछ दिन बाद जब काला कवा अपनी आदत से मजबूर वो टोपी पहनकर निकलता है तो वो दोबारा किसी बस्ती में घुस जाता है। लेकिन अब की दफा टोनी की चलाकी की वजह से वो टोपी कोई और होती है, लेकिन काला कवा इसको वही टोपी समझ रहा था। इसके जहन में ये होता है कि वो किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन टोपी नकली होने की वजह से वो सबको नजर आ रहा होता है। फिर क्या होना था, कवा सबके सामने रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर टोनी और बबलू कबूतर सब नजरों के साथ मिलकर कवे की खूब खातर करते हैं। बेचारा कवा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। इसके अलावा इसके पास जो माल इकट्ठा था वो भी वापस करना पड़ जाता है। टोनी की चलाकी की वजह से कवि की बदमाशी सबके सामने आ जाती है। इसके बाद काला कवा इस टोपी का इस्तेमाल करने का ख्याल भी दिल में नहीं रहता।